once again. What's up guys, very very welcome to a new video. Tarzan Baba के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, आप सभी लोग बिटकॉइन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और बिटकॉइन के इसी कुछ नए प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आपके लिए अपडेट लाया हूँ. यहाँ पे एक व्यक्ति ने अपना 2 बिटकॉइन परचेस करके उसका पासवर्ड भूल गया, और ये पासवर्ड उसे याद नहीं आ रहा. और ऐसे में अगर वो पासवर्ड उसे याद नहीं आता तो वो जो बिटकॉइन है वो उसे खो देंगे. तो आखिर ये रीजन क्या है और ये कैसे हो, तो इसी के बारे में आज आपको अपडेट बताने वाला. तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना. यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले एक प्रोग्रामर स्टीफन थॉमस ने कुछ साल पहले 72 बिटकॉइन परचेस किया हुआ था, और वहाँ पर उस समय बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा कम था अभी के कम्पेयर में. तो उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस जो है बढ़ने लगा, और स्टीफन थॉमस को याद आया कि उसके पास काफी सारे बिटकॉइंस है, उसे वो बेचकर अच्छे खासे मुनाफे कमा सकता है. लेकिन वो जो है पासवर्ड भूल गए, और इसके चक्कर में उसका तकरीबन 1 करोड़ रुपए का पासवर्ड भूल गए. हाउ? तो यहाँ पर उन्होंने अपने बिटकॉइन वॉलेट का जो पासवर्ड है उसे आयरन हार्ड ड्राइव में रखा हुआ था, और इस छोटे से हार्ड ड्राइव को वो इस की से खोल पाएंगे जिसे आयरन की कहते हैं. और उस आयरन की में उस वॉलेट का पर्सनल की होता है, यानी कि वॉलेट का सिक्योरिटी की होता है, और उस वॉलेट में बिटकॉइन रखा हुआ है. और यहाँ पे स्टीफन ने बिटकॉइन परचेस कर आयरन की का पासवर्ड जो है उसे एक कागज पर लिखा हुआ था. अब कुछ सालों के बाद यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ने लगा, और स्टीफन को याद आया कि उसके पास काफी सारे बिटकॉइंस है जिसे वो बेच सकता है या फिर सेल आउट कर सकता है, और उसके बाद वो अच्छे खासे मुनाफे कमा सकता है. लेकिन वो जो पासवर्ड है जिसे कागज पर लिखा हुआ था वो गुम हो गया. तो यहाँ पर स्टीफन ने इस वॉलेट को ओपन करने के लिए अपना जो एल्गोरिदम है पासवर्ड का उसको 8 times ट्राई कर चुके हैं, यानी कि 8 बार उसे ट्राई कर चुके हैं. मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जो है अगर बिटकॉइन का वॉलेट बनाए हुए हैं तो आपको केवल 10 times पासवर्ड डालने का ऑप्शन देता है. उसके बाद अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो आपका अकाउंट सीज हो जाएगा और आपका पैसा उड़ जाएगा, यानी कि आपका जो बिटकॉइन है वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा. यानी कि स्टीफन का तकरीबन 1700 करोड़ रुपीज उड़ जाएगा, यानी कि खत्म है भाई. और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर पासवर्ड रीजनरेट करने का ऑप्शन देता है जिसे कि आप अपना अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं. और यहाँ पर बिटकॉइन का कोई भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी इस पर अपना नियंत्रण करती है, और इसीलिए री पासवर्ड जनरेट करने जैसा फीचर्स इसमें है ही नहीं. इस करेंसी का जो मेकर है सातोशी नाकामोटो, कि कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को खोलना चाहता है और बिटकॉइन रखना चाहता है तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो वॉलेट बना सकता है और उसमें अपना बिटकॉइन रख सकता है. और जिस पर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नियंत्रण ना हो, और यही इस बिटकॉइन का फीचर्स या फिर इस बिटकॉइन वॉलेट का सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पे लोगों के मुसीबत का सबब बन रहा है. मैं आपको बता दूं, ये केवल एक ही व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपना बिटकॉइन खोया हुआ, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पासवर्ड भूलकर बिटकॉइन खो दिया है. मैं आपको बता दूं, दुनिया में तकरीबन 1.85 करोड़ बिटकॉइन है, और इनमें से तकरीबन 20% लोगों ने अपना बिटकॉइन खो दिया है, यानी कि तकरीबन 10 lakh crore रुपीस उन्होंने खो दिया है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट होती है. यहाँ पे बिटकॉइन रिकवरी सेंटर ये बताते हैं कि उनके पास तकरीबन हर एक रोज 1000 लोगों का कॉल आता है उनका बिटकॉइन रिकवरी कराने के लिए, और यहाँ पर पहले के मुकाबले ये 30 गुना ज्यादा बढ़ गया है. मतलब आप सोच सकते हैं कि हर एक रोज कितने लोग जो हैं अपना बिटकॉइन का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर अपना बिटकॉइन खो चुके हैं. सो आई होप यू गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. यहाँ पर बिटकॉइन जो है आपको काफी सारे फीचर्स तो देता है, लेकिन उसके अलावा आपको मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है. तो अगर आप जो है अगर बिटकॉइन वॉलेट खोले हैं या फिर आपके पास बिटकॉइन है तो आप उसको सेफ रखिए, उसके पासवर्ड को सेफ रखिए, आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार इससे आपका बड़ा अमाउंट भी खो सकता है. तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. फिलहाल के लिए बस इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.